हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। मैं सौदे की सरकार नहीं चलाना चाहता था, कोई शक नहीं कांग्रेस की सरकार बने। हमारे कार्यकर्ता नेता के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, पर 5 महीने का तो सवाल है ना, कर ले 5 महीने और 5 महीने बाद हम भी इसका हिसाब लेंगे। मध्य प्रदेश खोखला हो चुका है। शिवराज सिंह जी घोषणा की मशीन है। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, मैं घोषणा नहीं करता। वो आप उनसे पूछिएगा किस कारण से वो घर बैठे, कितने केस चलाए हैं उन पर, किस प्रकार का दबाव, केवल अरुणोदय चौबे पर नहीं, आज जो यहाँ बैठे हैं छोटे से लेके बड़े हमारे कार्यकर्ता नेता के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, पर 5 महीने का तो सवाल है ना, तो अरुणोदय चौबे से आप खुद पूछिएगा उनका क्या इरादा है। कितनी दफे मैं पूछता हूँ पिछले 15 साल में शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी, 3 दफे तो खुद करी ना, और आज तक उसका नाम निशान नहीं। शिवराज सिंह जी तो घोषणा की मशीन है। पिछले 6-7 महीनों में क्योंकि चुनाव उनके सामने, उनको सब चीज़ें याद आने लगी, लाडली बहन याद आ गई। सबसे ज़्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हमारे महिलाओं पर नंबर 1 है। शिवराज जी अब घोषणाओं पर घोषणाओं, अनाउंसमेंट पर अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि जनता गुमराह हो जाएगी, पर मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। अगर यहाँ के लोग चाहेंगे क्यों नहीं बनेगा। मैं सुन लीजिए, मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, मैं घोषणा नहीं करता। मैंने ये घोषणा नहीं करी थी कि हम 100 रुपये 100 यूनिट देंगे, हमने ये घोषणा नहीं करी थी। मैं घोषणाओं की राजनीति में विश्वास नहीं करता, और जो हमने किया है 15 महीनों में जनता मेरी गवाह है। देखिए शिवराज सिंह जी पहले तो झूठ बोलने से बाज नहीं आए, तब विधानसभा में उनको आंकड़े पेश करने पड़े। उन्होंने विधानसभा में पेश किए कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। जगह जगह मैं पूछता हूँ कर्जा माफ़ हुआ, 27 लाख किसानों का पहले किस्त में डिफॉल्टर किसान और चालू खाते किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, ये उन्होंने आंकड़े दिए। तो ये तो पहला किस्त था, हमारा दूसरा किस्त चल रहा था। हमारे सागर ज़िले में 88 या 90 हज़ार किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। मेरे पास तो एक एक का नाम, नंबर, गांव, बैंक और कितना कर्जा माफ़ हुआ उसकी सूची है। सबसे बड़ी चुनौती हमारी युवा बेरोजगारों की है, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे सागर जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर उनकी भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। ये बेरोजगारों के लिए, जब तक हमारा औद्योगिकरण ना हो, औद्योगिकरण से केवल रोजगार नहीं मिलता पर आर्थिक गतिविधि बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है, कोई बस चला लेता है, कोई होटल खोल लेता है। तो आज हमें निवेश को कैसे आए, निवेश हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है, निवेश हम डिमांड नहीं कर सकते। शिवराज सिंह जी ने 6 इन्वेस्टमेंट मीट करी, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। मैंने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने के लिए एक कार्यक्रम केवल किया था, मैंने घोषणा नहीं करी थी कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास की पहचान बने। निवेश विश्वास से आता है, ये मेरा प्रयास था। शिवराज सिंह जी ने अगर आप 6 इनकी इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणाएं को टोटल कर लें, 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो देश में नहीं आता भाई, ये यहाँ मध्य प्रदेश में कैसे आएगा। तो ये सब कलाकारी जब कोई देखता है जिसको निवेश लगाना है कि यहाँ के नेता इतने कलाकार हैं, इतना भ्रष्टाचार है, इतना झूठ बोलते हैं, वो वैसे ही उनका मन उड़ जाता है। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमज़ोर है, आप पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमज़ोर है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, ये हमें याद रखना है। और हमारा संगठन मजबूत हो गया और मजबूती की ओर जा रहा है, बूथ लेवल तक हम अपना संगठन बना रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे भारी बूथ प्रभारी, और हम उसका मुकाबला करेंगे। मैं सरकार मैं नहीं बचा पाया, मैं मुख्यमंत्री था मैं तो सरकार बचा देता, मैं भी सौदा कर लेता, पर मैं सौदे की सरकार नहीं चलाना चाहता था। मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठा
बैठना चाहता था। सब विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल गया, मैं तो मुख्यमंत्री था। मैंने कहा मैं सौदा नहीं करूंगा, आप खुश रहिए, जो करना है आप करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होनी चाहिए। देखिए भाजपा की अब कोई रणनीति चलने वाली नहीं है, मतदाता समझ गया है। बस जिसको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। मैं शिवराज नहीं हूँ ना, मैं घोषणा नहीं करता। शिवराज सिंह से पूछिएगा वो कहेंगे 200 पार। हाँ, मैं ये सब बातें नहीं करता। मैं तो कहता हूँ मुझे जनता पर पूरा विश्वास है और कोई शक नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि शपथ पत्र लो, सब जो करते हैं अपनी भावनाओं से करते हैं। मुझे अपने सब विधायक जो जीत के आएंगे उन पर पूरा विश्वास है। मैं बहुत दिनों बाद बीना आया हूँ। पिछले 18 साल के प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। पिछले 18 साल में भी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को अंदर से खोखला बना दिया है। मध्य प्रदेश खोखला हो चुका है। खोखला अर्थव्यवस्था, खोखली शिक्षा व्यवस्था, खोखली स्वास्थ्य व्यवस्था, खोखली कृषि व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था खोखली, खोखली औद्योगिक व्यवस्था, खोखली सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के भविष्य को खोखला किया। ये तस्वीर आज सबके सामने, और आज हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा किसान जो न्याय के लिए खाद बीज और मुआवजे के लिए भटक रहा है। यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, शिवराज सिंह जी आए थे, ओलावृष्टि के लिए कहा था कि मुआवजा मिलेगा, एक पैसा आज तक नहीं मिला। 88 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाया कोविड में। मैं तो पूछता हूँ ये 88 करोड़ रुपए का अस्पताल में कितने लोगों का इलाज हुआ? ये तो स्थानीय आप लोग हैं, और आज ये 88 करोड़ रुपए का अस्पताल गया। ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, चुनाव में 5 महीने बचे हैं, और 5 महीनों में मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, खास करके सागर के मतदाताओं पर पूरा विश्वास करता हूँ। वो गवाह हैं कि किस प्रकार की राजनीति यहाँ चली है सागर जिले में। हमारा सुर्खी होए, खुरई होए, बीना होए, नरियाली होए, कैसी राजनीति इन्होंने करी है। कर ले 5 महीने और, 5 महीने बाद हम भी इसका हिसाब लेंगे।